अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं चाइना पोर्ट, जिसे ओयस्टर रॉक्स भी कहते हैं। ये इस वक्त अभी हम बिलावल चुरंगी और ये चेन वन से लेफ्ट लिया अभी हमने यहाँ से। और ये असल में हमने जहाँ से आने वाला रोड है वो पकड़ लिया। अच्छा, ये रोड अभी हम सीधा लेंगे, ये बिलावल हाउस वाला रोड है। और यहाँ से फिर इंशाल्लाह चाइना पोर्ट पहुँचेंगे। करीब ही है यहाँ से, तकरीबन 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। और आज संडे है, डेट आज की है 25 जून, सॉरी 26 जून आज डेट है और संडे है आज। तो सोचा एक छोटी सी राइड की जाए कराची शहर की। जब से पेट्रोल 235 रुपए लीटर हुआ है, लॉन्ग राइड की हिम्मत नहीं हो रही। अल्लाह करे जल्दी ये पेट्रोल की कीमतें वापस अपने पोजीशन पर वापस आ जाएँ, कम हो जाए पेट्रोल, तो दोबारा स्टार्ट करें हम लॉन्ग राइड्स को। अच्छा, यहाँ से अब हम राइड लेंगे, ये बिन कासिम पार्क वाला रोड है, ठीक है, यहाँ से हम राइड लेंगे। ये क्लिफ्टन वाला रोड है और इसी रोड पे हम जब सीधे आगे जाएंगे तो हमें चाइना पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से वैसे मशीनरीज दिख रही हैं, मशीनरीज खड़ी हुई भी दिख रही हैं हमें। तो बस पहुँचते हैं अभी, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि आगे क्या सीन है। और इस चाइना पोर्ट की या ओयस्टर रॉक्स की क्या ख़ास बात है, तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। क्लिफ्टन संडे कार बाज़ार। अच्छा, बाइक का ये फ़ायदा है कि हम बाइक आगे तक ले जाएंगे, अगर आप गाड़ी में आएंगे तो गाड़ी पीछे ही पार्क करना पड़ेगी आपको। सुबह सुबह का फॉगी साहिल, ये समंदर और बर्ड्स जा रहे हैं, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं शायद। समंदर भी काफ़ी पुरसकून है इस वक्त, तो चलते हैं आगे। आज की राइड पर भी मैं हूं और मेरे साथ सिर्फ खुर्रम है, राइड विद खुर्रम, हम दो लोग ही इस राइड पर आएँ। छोटी सी राइड थी और अचानक का प्लान बना है बस रात को ही, सैटरडे नाइट को, कि यार सुबह चलते हैं, तो इसलिए किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया ज़्यादा। अच्छी लोकेशन है, छोटी सी, थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने के लिए अच्छी लोकेशन है ये। जी पहुंच गए हम ओयस्टर रॉक्स के ऊपर, यहीं लगाते हैं बाइक्स को। और आपको दिखाते हैं आगे का सीन और इस जगह के बारे में आपको बताते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं ओयस्टर रॉक्स के ऊपर और बस यहाँ से शुरू हो जाते हैं ओयस्टर रॉक्स। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, गूगल मैप पे डायरेक्शन लगाई हुई थी तो थोड़ा सा रोड का इशू हुआ पहुँचने में यहाँ पे, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे और इतवार बचत बाज़ार लगा हुआ, उससे ही अंदर सीधा सीधा रास्ता है इसका, तो ईजी आना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप चाइना ओयस्टर रॉक्स लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आप ईज़िली इस लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और एज़ एक्सपेक्टेड आज संडे है तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। हम भी यहाँ अभी बैठेंगे, इन्जॉय करेंगे, आगे तक जाएंगे जहाँ तक जा सके। अभी मैं आपको इस चीज़ इस ये जो रॉक्स लगे हुए हैं इसकी इसके अंदर एक डेंजर चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके ऊपर क्लाइंब करके जाना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है इनको क्रॉस करके जाना। सेकेंडली, ये तो 2018 में इसको बंद कर दिया गया था और अभी तकरीबन 8-9 महीना हुए हैं जो इसको दोबारा से इसको खोला है इस जगह को। वही कुछ इंसिडेंट्स हुए थे यहाँ पे, एक्सीडेंट्स हो गए थे, कुछ लोगों के सर फट गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई,
तो ये मसले मसाइल हुए थे, इस वजह से इस जगह को बंद कर दिया गया था। अभी इसको फिर दोबारा खोला है। ये जो ऑयस्टर रॉक्स हैं, इनको बेसिकली समंदर की लहरों को किल करने के लिए डाला जाता है। और जैसे कि आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर पोर्ट है, ये चाइना पोर्ट है बेसिकली उस तरफ, और यहाँ पे शिप्स आके लंगर अंदाज होते हैं। तो चलते हैं आगे, मज़ीद आपको बताते हैं। आप ये है जी, यहाँ पे आपको जो है ना टेक्निकली थोड़ा आगे पीछे हिलना पड़ेगा। ट्रैवल विद अदील और राइड विद खुर्रम, ट्रैवल विद अदील और राइड विद खुर्रम। और अब ये वीडियो बनाते हुए इसके ऊपर चलना आसान नहीं है, तो आ जाओगे यार, आप भी आ जाओगे। आप लोग कहाँ से आए हो? औरंगी टाउन से आए हो? बहुत दूर से आए। ये भी सफूरा से आए, सब दूर दूर से आए, मैं तो खैर करीब। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, फिर वहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बगैर सहारे के यहाँ पे आगे चलना मुश्किल है। ये देख रहे हैं, ये नीचे तो गहरा है और आड़े टिड़ी इसकी जो है वो फॉर्मेशन है, तो बगैर सहारे के आप इस पर चल नहीं सकते। और यही वजह है कि इसके ऊपर से लोग काफ़ी गिरे हैं पहले भी ना, तो जब भी आएँ यहाँ पर एहतियात से इसको क्लाइम करते हुए आगे बढ़ें। और बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना ईज़िली जा सकें और वहाँ जा कर बैठ जाएँ। तो चलते हैं आगे, मैं भी आपको आगे से फिर दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। अच्छा जी, तो काफ़ी आगे तक आ गए हैं अभी हम, बड़ी मुशक्क़त से भरपूर रॉक क्लाइंबिंग करते हुए। और है तो काफ़ी आगे तक, लेकिन इतना आगे नहीं जा सकते भाई, हालत बुरी हो गई, पसीना आना शुरू हो गए हैं अभी से। ज़्यादा आगे नहीं आए, मतलब तकरीबन 200 मीटर की हमने रॉक क्लाइंबिंग की होगी। तो ये मुश्किल काम है, क्योंकि पत्थर भी थोड़े से स्लिपरी टाइप के हैं, और जो इनकी कर्व्स हैं वो उस पर पैर जमाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप हाथ और हाथों की मदद से जो है ना आप इसको क्लाइम करते हुए आगे आते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, एहतियात से आगे आएँ, बहुत ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, एक बहुत अच्छा खूबसूरत पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड पर समंदर है, इधर भी समंदर है, इस साइड पर भी समंदर है, और बहुत से लोग यहाँ पर फ़िशिंग भी कर रहे हैं नीचे की साइड पर। और अगर आप फ़िशिंग करना चाहते हैं, वैसे फ़िशिंग के लिए मेरे ख्याल से अगर करनी है तो आप शुरू के पॉइंट पे ही करें, ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि अभी कोस्ट गार्ड की बोट यहाँ सी में चल रही थी और वो वहाँ पे किसी को वार्न कर रहे थे कि यहाँ से हट जाएं। सेकेंडली, ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे जज़ीरे नुमा पहाड़ खड़े हैं समंदर में, ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। इस गोप्रो में तो ज़ाहिर है हर चीज़ छोटी छोटी दिख रही होगी आपको, लेकिन आप रियल लाइफ से जब आके यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे काफ़ी मुझे नज़र आ रहे हैं, सीगल्स हैं और दूसरी जो ब्लैक कलर की होती है एक बर्ड होती है वो यहाँ पे नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी काफ़ी हैं, पानी में आ रही है। और उसके अलावा अच्छा एनवायरनमेंट है, कुछ देर फोटोग्राफी के लिए और रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जैसे कि अभी आजकल थोड़ा क्लाउडी वेदर चल रहा है, तो मैंने सोचा था कि यार चलो सुबह चलते हैं, अदरवाइज़ आप इधर सनसेट के टाइम आएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। सनसेट के टाइम यहाँ पे सूरज ग्रुप होता है समंदर के अंदर, तो एक एडिशनल आपको व्यू मिल जाएगा, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। उसके अलावा फैमिली के हवाले से अगर कोई यहाँ आना चाह रहा है तो उसके लिए भी पॉइंट अच्छा है, लेकिन वही बात है कि एक एडवेंचरस सी चीज़ है ये, अगर इस रॉक क्लाइंबिंग करके आप आना चाह रहे हैं तो ये एक एडवेंचरस सी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ है काफ़ी, और आपको हाथ और पांव दोनों की मदद से जो है वो चल के यहाँ तक आना पड़ता है। तो अगर आप एडवेंचर का आपको शौक है तो आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, वरना ये कि लड़कों के लिए तो खैर बिल्कुल सही कोई इशू नहीं। तो ये एक जगह थी। अच्छा, ये बनाया कब गया इसका तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पर्पस वही था इसका कि ये इस तरह पोर्ट है और यहाँ बड़े बड़े शिप्स आते हैं, तो वेव्स को किल करने के लिए ये सारे ऑयस्टर रॉक्स डाले गए हैं, ऑयस्टर रॉक्स कहलाते हैं। इसकी बदौलत जो है आपके समंदर की जो लहरें हैं वो कट जाती हैं। तो हमारे साथ आज फिर खुर्रम भी हैं, खुर्रम से थोड़ा सा इनपुट ले लेते हैं इस जगह के हवाले से कि खुर्रम को कैसा लगा। यहाँ पे खुर्रम थोड़ा करीब आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ, मैं आपके पास आ जाता हूँ, थोड़ा सा आप मेरे पास आओ, थोड़ा मैं आपके पास आता हूँ।
तो राइड विद खुर्रम, कैसी लगी आपका क्या इनपुट है इस जगह के हवाले से? भाई मेरा इनपुट ये है कि कराची वालों के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि हाइकिंग वाइकिंग करने की ज़रूरत है, अगर आपको या शौक है तो यहाँ आ जाओ, यकीन जानो ये हार्डली हमने 200 मीटर या 300 मीटर हमने किया होगा कवर, और उसके अंदर जो है लग पता गया है कि पसीने वसीने आ गए बिल्कुल ना, स्वेटिंग हुई फुल टाइम, जोड़ जवाब दे गए बुढ़े हो गए यहाँ के पास चला यार हमारे, ये जो है ना निकलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये है कि अच्छी जगह है, दो दो टाइम रिकमेंडेड है यहाँ पर। अभी तो जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा तो गर्मी बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से सुबह के टाइम पे आ जाए बंदा सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे, तो वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। बाकी अच्छी जगह है और इन्जॉय करें, इन्जॉय करें भाई, आप भी इन्जॉय करें। अच्छा इसको आपको मैं थोड़ा सा यहाँ साइड से इसका व्यू दिखाऊँ नीचे उतर के, तो ये बड़ा एक एंटीक सा इसका व्यू है यहाँ का, बस यहाँ से नीचे उतरना मुश्किल काम है। ये देख रहे हैं आप कर्व्स ऐसे हैं पत्थर के कि आपको बगैर सहारा लिए आप नहीं चल सकते इन पत्थरों के ऊपर। ये देखें आप यहाँ से व्यू थोड़ा सा और नीचे उतर जाए, समंदर की आवाज़, ये अब ऑलमोस्ट हम तकरीबन ऑलमोस्ट नीचे ही आ गए बिल्कुल समंदर के पास, और यहाँ से ये इसका ऐसे कर्व में बनी हुई है, और ऐसे ही उस तरफ सामने भी कर्व है इसका, उस तरफ छोटा है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा बना हुआ है जो ऑयस्टर रॉक्स के चैनल है, और ये सामने पोर्ट है, काफ़ी कंटेनर्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं लगे हुए पोर्ट के ऊपर, अच्छा व्यू है। बस अभी कुछ देर और यहाँ रुकेंगे हम लोग, तकरीबन 15-20 मिनट और रुकेंगे, और उसके बाद अभी नाश्ता नहीं किया हमने, तो नाश्ता करेंगे और फिर घरों को जाएंगे। इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ये बस लोकेशन आपको दिखानी थी, हम तो सुबह सिर्फ राइड एंजॉय करने आए थे छोटी सी, तो ये लोकेशन आपको दिखानी थी, अगर आप भी आना चाह रहे हैं तो ईज़िली आ सकते हैं, ये ओपन हो गई है दोबारा, और कराची में ज़ाहिर सी बात है वैसे ही लोकेशंस की बहुत कमी रहती है इस तरीके के स्पॉट्स की, तो एक अच्छे स्पॉट है, आइए ज़रूर आइए यहाँ पे इंजॉय करें, गंदगी ना फैलाएं, कचरा अगर कोई चीज़ खाने पीने के आप साथ लेकर आते हैं तो यहाँ पे फेंक कर ना जाएं, उसको अपने साथ लेके जाएं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ समंदर में रैपर्स पड़े हुए हैं, काफ़ी कचरा है यहाँ पर, तो ये ना करें प्लीज़, कचरा अपने साथ लेके जाएँ कहीं भी जाएँ, पाकिस्तान के किसी भी या दुनिया के किसी भी कोने पर जाएँ, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और ट्रैवल करते रहें, और अपने ज़रिए दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।